हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बिना पापड़ी की पापड़ी चाट की रेसिपी। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर है, देखने में है क्विक एंड ईजी स्नैक रेसिपी है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सभी चीज़ें ले ली हैं जो हमें पापड़ी चाट के लिए यूज़ होगा, और ये नॉर्मल घर की चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है उबले हुए आलू, साथ में नायलोन सेब मैंने लिया है बारीक वाला सेब, आप आलू भुजिया भी ले लें। और इसी के साथ मैंने टमाटो केचप लिया है, आप इमली की चटनी भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हरी चटनी भी मैंने लिया है, धनिया और मिर्ची का जो भी बनाते हैं आप नॉर्मल घर में। साथ में जीरा पाउडर लिया है, यहाँ पे मैंने दाल लिया है नमकीन, जो चना दाल होती है उसमें थोड़ी सी मूंगफली और वो नमकीन जो घर में नॉर्मली मिल जाती है उसे ही मैंने लिया है। इसी के साथ लाल मिर्च लिया है, नमक हम लेंगे। इसके बाद हम कटे हुए टमाटर, कटे हुए प्याज और कटे हुए खीरा मैंने लिया है। इसमें से जो चीज़ नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। चाट मसाला मैंने लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। तो अब हम इससे पापड़ी चाट या सेव पूड़ी जो बोल लें उसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है, और पापड़ी की जगह पे मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मोनाको बिस्किट। ये बहुत ही अच्छा जाता है पापड़ी के जगह पे, क्योंकि इसका फ्लेवर नमकीन होता है, क्रंची होता है, लाइट होता है। मैं इसे बहुत टाइम से बना के खाती थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसे शेयर किया जाए, क्योंकि ये क्विक एंड ईजी रेसिपी है, जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है ये। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बना के खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी बिस्किट को निकाल लिया है प्लेट में, जितना आपको चाहिए उतना आप निकाल लीजिए। इसके बाद हम आलू को स्लाइस करके इसके ऊपर डालेंगे, तो आप पतले पतले स्लाइस में इसके ऊपर अच्छे से सभी पे डाल दें। तो मैं यहाँ पे सभी को डाल देती हूँ। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे, जिससे कि आलू हमारे नमकीन हो जाए। और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कटे हुए खीरा, प्याज, टमाटर, तीनों को ही हमें इसके ऊपर इस तरीके से डालना है। और इसके बाद फिर से हम थोड़ा थोड़ा नमक छिड़केंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे हर जगह इसका नमकीन फ्लेवर हो, क्योंकि जब तक नमक नहीं जाती तब तक फ्लेवर अच्छे से निकल के नहीं आएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा जीरा पाउडर भी इस पर भी डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। मैं मोनाको बिस्किट के साथ काफ़ी अलग अलग फ्लेवर में मैंने इसे ट्राई किया है, और वो सभी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको वो सारे फ्लेवर चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बनता है। इसी के साथ मैं इसके ऊपर टमाटो केचप डाल रही हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, या फिर अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ी खटास भी होती है। साथ में मैं हरी चटनी डाल रही हूँ, तो हरी चटनी आप थोड़ी तीखी बनाइएगा तो अच्छा चटपटा बनेगा। इसमें मैंने नींबू डाला है, इसलिए इसमें खटास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे नायलॉन सेब, तो अगर आपके पास नायलॉन सेब नहीं है तो आप आलू भुजिया का यूज़ कर लें, कोई भी इस तरीके का नमकीन यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी मसाले वाले रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा और चटपटा ही बन जाएगा। इसी के साथ मैं इसके ऊपर हरा धनिया मैं डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं दाल और मूंगफली जो भी घर में है आपके वो नमकीन डाल दें। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं, और क्विक रेसिपी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। बैचलर है या कम टाइम है या फिर हल्की फुल्की भूख लगी है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन में ऑल बटन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।